हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल त्रदेव। दिस इज उपासना सिंह और आज मैं आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताने जा रही हूँ कि जावा में क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का क्या रोल है। सो क्लासेस जो होती हैं वो एक हमारा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। हमारे जावा के प्रोग्राम में जो भी चलता है वो एक क्लास के अंदर ही मतलब परफॉर्म होता है। सारे ऑपरेशन क्लासेस के अंदर ही परफॉर्म होते हैं। क्लासेस के अंदर हमारे मैथड्स भी होते हैं, वेरिएबल्स भी होते हैं और काफ़ी कुछ होता है। क्लासेस के अंदर ही हम लोग लॉजिक्स को भी लिखते हैं और बट क्लास एक हमारी फिजिकल एंटिटी नहीं। लेट्स सपोज फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्लास है लाइक एनिमल एंड इसके अंदर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। एक डॉग हो गया जो कि हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर एक कैट हो जाएगा जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये जो एनिमल है ये मेमोरी में कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा क्योंकि ये क्लास है, ये कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है। बट हमारे ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं डॉग और कैट ये एक मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है एंड ये एक फिजिकल एंटिटी है। लाइक एनिमल को हम रियल वर्ल्ड में नहीं देख सकते हैं बट डॉग और कैट को हम रियल वर्ल्ड में देख सकते हैं क्योंकि हमें पता है इनका बिहेवियर क्या है, इनका फंक्शन क्या परफॉर्म करेंगे, इनका लाइक कलर क्या है। सो गाइस, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ओके क्लासेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये तो हमें पता चल गया, इनका क्या यूज़ होता है ये भी हमें पता चल गया, बट ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट कैसे करेंगे। सो ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने का जो तरीका है वो 5 टाइप्स में डिवाइडेड है, बट सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला तरीका है न्यू कीवर्ड वाला, कि हम न्यू कीवर्ड की यूज़ से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। प्रैक्टिकली इसको देखते हैं कि प्रैक्टिकली हम न्यू कीवर्ड के यूज़ से ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। ओके गाइस, सो हम अब देखते हैं कि हम प्रैक्टिकली अपने क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को कैसे क्रिएट करते हैं। तो क्लास को क्रिएट करने के लिए हमें बस न्यू पे जाना है, क्लास पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे अपने क्लास का नाम डिफाइन कर देना है। जैसे हम अपने क्लास का नाम यहाँ पे एनिमल लिखते हैं, फिनिश करके अपनी क्लास को क्रिएट कर देते हैं और अब इसके प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं, जैसे कि प्राइवेट, स्ट्रिंग नेम एंड देन प्राइवेट इंटीजर एज। एंड उसके बाद हम अपने यहाँ पे सोर्स में जाके इसके गेटर सेटर मेथड को क्रिएट करते हैं। गेटर सेटर मेथड का एग्जैक्टली यूज़ क्या होता है ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी जब हम अपने मेथड्स वाले सेक्शन को कंप्लीट कर रहे होंगे। ओके, अब हम वापस अपने फर्स्ट प्रोग्राम पे जाएंगे। फर्स्ट प्रोग्राम पे जाने के बाद हम यहाँ पे एनिमल क्लास का अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसमें हमारा पहला ऑब्जेक्ट था डॉग, तो हमने यहाँ पे डॉग लिखा। न्यू कीवर्ड का यूज़ करके हमने एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट का क्रिएट कर दिया। बढ़िया, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है, नो इट्स फाइन। सो अब हम यहाँ पे ये भी सेट कर सकते हैं कि डॉग का नाम क्या है। तो डॉग डॉट सेट नेम जो कि हमने वहाँ पे अपना एनिमल क्लास में एक मेथड डिफाइन किया था सेट नेम करके, हमने इसका नेम सेट कर देते हैं जो कि यहाँ पे स्ट्रिंग पे था। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्ट्रिंग है नेम, तो हम यहाँ भी जब इसको देंगे तो स्ट्रिंग में ही देना पड़ेगा डबल कोट्स के अंदर। हमने यहाँ पे इसका नाम दे दिया, जैसे कि कुछ भी दे सकते, पिटबुल मैंने इसका नेम दे दिया। एंड देन मैंने इसकी एज दे दी, सेट एज। एज इसकी हमें इंटीजर में देनी क्योंकि मैंने वहाँ पे इंटीजर डिफाइन किया था 10। अब मुझे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। ऑब्जेक्ट हमेशा यूनिक ही होना चाहिए इसलिए मैं दोबारा डॉग यूज़ नहीं कर सकती, अब मैं इसे कैट यूज़ करूँगी क्योंकि कैट भी तो है। इसका मैंने नाम रख दिया म्याऊ और इसकी एज कर दी 20। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स के हमने गेटर सेटर का यूज़ कर सेटर्स का यूज़ करके दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए और दोनों ऑब्जेक्ट में उसका नेम और उसकी एज सेट कर दी। अब ये सही से सेट हुआ भी है या नहीं हुआ है इसके लिए हम प्रिंट करके चेक करते हैं। एंड देन मैं यहाँ पे रन एस जावा प्रोग्राम, तो आप देख सकते हो पिटबुल आ गया। इसी तरह आप यहाँ पे डॉग डॉट गेट गेट एज भी कर सकते हो, कैट डॉट गेट एज गेट नेम करके अपने सभी नीडेड वैल्यूज़ को प्रिंट करा सकते हो।
सो आई होप आपको यूज समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट्स हम कैसे क्रिएट करते हैं और ऑब्जेक्ट्स का हम कैसे अपने क्लास में यूज कर सकते हैं. सो गाइस, अब हम ये भी देखते हैं लाइक हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट. पूरी जो ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो रहा है न्यू कीवर्ड का यूज होके, ये एक्चुअल में क्रिएट कौन कर रहा है एंड किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है. तो इसका जवाब है JVM. JVM ही रिस्पॉन्सिबल होता है जिसकी वजह से हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो पाता है. बट JVM कैसे ये कर पाता है? JVM इज आस्क फॉर ओनली द ब्लूप्रिंट और द क्लास. लाइक JVM को सिर्फ हमारा क्लास चाहिए होता है और उसकी हेल्प से वो हमारी जो क्लास फाइल होती है उसे कंपाइल करता है और बाइट कोड में जनरेट करता है जिसकी हेल्प से हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो पाता है. सो बाय द यूज ऑफ द JVM वी यूज टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट. सो आई होप गाइज आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा. क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में मैंने ऑलमोस्ट सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसमें क्लियर कर दिए हैं. एंड अगर किसी को कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ डू कमेंट्स एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.